हेलो एवरीवन, मैं विनोद बाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली एग्जाम टाइम में, क्योंकि आपके आशा करता हूँ आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया का जो हमने मॉडल पेपर बनाया था वो अच्छा गया, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस आए। आज का जो पेपर हुआ है वो कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, क्वेश्चन कितने आए कितने नहीं आए। आज अपन तीसरे पेपर पर बात करने वाले हैं, अधिगम एवं शिक्षण, ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूं। यदि PDF इसका चाहिए आपको तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। और यदि फाइनल लेसन की डायरी यदि आपने नहीं बनाई है तो हिंदी और हिस्ट्री की मैंने फाइनल लेसन की डायरी डाल दी है, उसको भी जाकर देख लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मॉडल पेपर है। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि टाइम कितना रहने वाला है। 3 घंटे का पेपर रहने वाला आपका और 80 अंकों का होगा, ठीक है। पैटर्न वही चलने वाला है, छोटे क्वेश्चन 12 आने वाले हैं और जो बड़े क्वेश्चन वो 6 आने वाले हैं, जिसमें से अपन को 3 करने हैं, ठीक है, और जो छोटे क्वेश्चन हैं 12 उनमें से अपन को 7 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन इसमें अंकों की है ना जो सीमा बढ़ जाती है, 2 घंटे का पेपर था तो 35 अंकों का पेपर आया, ये 3 घंटे का है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 80 अंकों का पेपर आ रहा है, ठीक है। तो 3 घंटे का जो पेपर होता है ना उसमें आप अच्छे अंक निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 घंटे का जो पेपर होता है ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बड़े क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि यदि छोटे क्वेश्चन रह गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं वो नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है इसमें 2 खंड है, ठीक है, सेक्शन ए। इसमें अपन है ना जो 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, शिक्षण से क्या आशय है, ठीक है। 5 अंकों का क्वेश्चन आने वाला है, इसमें आप या 1 या 1.5 पेज तो आप भरोगे, क्योंकि जब ही वो 5 अंक देगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, शिक्षण एवं अनुदेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, शिक्षण एवं अधिगम में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बीएड फर्स्ट ईयर में क्या है, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में यदि आप पेपरों में अंतर देखना चाहोगे तो जो बीएड फर्स्ट ईयर होती है उसमें जो पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, सेकेंड ईयर में ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन जो फर्स्ट ईयर होता है ना उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। और 2022 की जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन है ना वो आने की कम संभावना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनके आधार पर मैंने ये बनाया है, ठीक है। और आपने अदर में जो पढ़ा है उसको भी आप जारी रखें, ऐसा नहीं कि मैंने ये बताया और इसके लग गए, ठीक है, इसको पढ़ना है और उसको पढ़ना है। चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, प्रभावशाली शिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, माइक्रो टीचिंग, ठीक है, सबको पता है माइक्रो टीचिंग। शिक्षण अभ्यास को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आप देख पा रहे हो छठा क्वेश्चन आपके सामने, पुनर्बलन से क्या अर्थ है और इसको प्रयोग में लाने की क्या विधियां हैं, ठीक है। जब बालक का कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो उस टाइम आप उसका उत्साह बढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, वही पुनर्बलन है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, संप्रेक्षण कौशल को समझाइए, ठीक है। इसके बाद में संप्रेक्षण कौशल आप जानते हो, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, अपन बच्चों से इंटरकनेक्ट हो पाते हैं, उनसे बातें कर पाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, बात करने का जो तरीका होता है, वही सारी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आठवां क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं। नौवां क्वेश्चन है, सचमैन के परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान को संक्षेप में समझाइए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में दसवां क्वेश्चन, दल शिक्षण को परिभाषित कीजिए, दल शिक्षण के लाभ लिखिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है, विचार गोष्ठी तकनीकी के गुण दोषों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। बारहवां क्वेश्चन है, एक अध्यापक के क्या क्या कार्य एवं कर्तव्य हैं, ठीक है, आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपके क्या क्या कार्य हैं, समाज के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति आपके क्या क्या उद्देश्य हैं, कर्तव्य हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो आपको आपका व्यवहार का सब कुछ आप इसमें डाल दोगे, ठीक है। इसके बाद में देखो 13वां क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ले लिया, क्योंकि
एक क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन टोटल 12 क्वेश्चन ही आने वाले हैं आपके, ठीक है। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु साधनों का उल्लेख करो, ठीक है। इसके बाद में देखो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं हमारे, अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन पर आते हैं। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख पा रहे हो, टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उनमें से अपन को 3 करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का 15 अंक होने वाला है, ठीक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। अधिगम का मतलब क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। चाहे बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है या अन्य किसी के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसे अपन अधिगम ही कहेंगे। लेकिन इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं वो इसमें आप अपन को है ना जो बताना है अथवा में, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, शिक्षण सूत्रों से आपका क्या आशय है। एक मिनट रुकना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। किन्हीं 3 शिक्षण सूत्रों को उदाहरण व्याख्या कीजिए, ठीक है। उदाहरण देते हुए उनकी व्याख्या करनी है अपन को, ठीक है। तो इसमें से आप एक कर लेना, या तो 14वां कर लेना या 13वां कर लेना, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं 15वां क्वेश्चन, फ्लैंडर्स की 10 वर्ग प्रविधि से आप क्या समझते हैं, विस्तार से विवेचना कीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, अधिक्रमित अधिगम के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद में 17वां, हाँ इनमें से है ना जो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न उपागमों को समझाइए, ठीक है। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन, संप्रेक्षण कितने प्रकार के होते हैं, कक्षा कक्ष में संप्रेक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक करना है। इस प्रकार जो बड़े क्वेश्चन है उसमें कितने पेज बनने हैं, देखो 5 या 6 पेज तो होने चाहिए आपके, ठीक है। 5 या 6 पेज होने चाहिए, और शुरू में आप अच्छी तरीके से आपको अपने आप को है ना जो प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हो और वो सब कुछ देखता है, ठीक है। आप किस प्रकार कौन कौन से किस प्रकार शब्दों का यूज ले पा रहे हो, आपकी जो कॉपी है ना वो आपका व्यवहार बता देती है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको करना है, 5-6 पेज होने चाहिए, और टोटल 25 पेज आप कर देते हो ना तो बढ़िया तरीके से आपके अच्छे अंक आने वाले हैं। 20 पेज या 25 पेज के बीच में ही आपको करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो अत्यंत ही आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपका पेपर अच्छा होता है तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर है ना जो वीडियो में जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिखना नहीं भूले, क्योंकि जब आप नहीं लिखोगे, क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लिख नहीं रहे हो, फीडबैक नहीं दे रहे हो, तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो फीडबैक देना सीखो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।